Can I start? Yes, ma'am. Okay. आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द केज कल्चर. देन केज कल्चर फिनिश करने के बाद पेन कल्चर, उसके बाद फिर आपका जीरो वाटर एक्सचेंज कल्चर. जीरो वाटर एक्सचेंज कल्चर मतलब बताया था एक बार, और आप जिसमें रियूज उसी को वाटर को यूज करेंगे उसमें. हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे रास और दूसरा हो गया बायोफ्लॉग, बिल्कुल, जिसमें वाटर का किसी तरह से एक्सचेंज नहीं होता है. तो देखो, केज एंड पेन कल्चर जो है आपका अगला सेमेस्टर में भी है, ठीक है. लेकिन अभी जो है इस सेमेस्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे, हम ये जानेंगे केज कल्चर पेन कल्चर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कब ये ओरिजिनेट किया था, लाइक इस टाइप के थोड़े इंफॉर्मेशन, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि यू नेवर नो कि एक्सटर्नल क्या पूछ देगा. लेकिन इसका डिटेल जो है आपका, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या पार्ट्स इसके स्ट्रक्चर में यूज होता है, ये हम मतलब जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो पढ़ने वाले. तो इस सेमेस्टर में सिर्फ केज कल्चर पेन कल्चर इनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, क्या है, कितने टाइप के होते हैं, एडवांटेज क्या है, क्यों करते हैं, कब हुआ था, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है. तो पहले केज कल्चर, yes. किसी ने देखा है केज कल्चर, देखा है कहीं पे? नो मैम. ओके. नो मैम. नो मैम. ये फोटो में सिर्फ देखे हैं मैम. फोटो में देखे हो. किसी को केज कल्चर और पेन कल्चर का डिफरेंस कुछ पता है? मैम, केज कल्चर में बेस में भी नेटिंग क्या हुआ है, लेकिन पेन कल्चर में बेस में नेटिंग नहीं किया होता है, वो ग्राउंड रिवर ग्राउंड से. बिल्कुल बिल्कुल. केज कल्चर जो है आपका जो है वो चारों तरफ से नेटिंग की हुई रहती है, ठीक है. इवन उसके ऊपर साइड में भी कई बार जो होती है नेटिंग होती है, थोड़ा सा बीच में चेन रहता है ताकि उसमें फिशेस जो है डाल सके, निकाल सके, ठीक है. चारों तरफ से उसकी नेटिंग होती है. इवन बॉटम जो है वो भी नेटिंग होती है. लेकिन पेन कल्चर में जो उसका बॉटम होता है ना, वो वाटर मीडियम का जो बॉटम होता है वो सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिवर में पेन कल्चर करने जा रहे हैं तो रिवर का जो बॉटम होगा दैट विल बी द इटसेल्फ एज द पेन कल्चर का बॉटम, क्योंकि वो जो पेन कल्चर में बैम्बू वगैरह जो उससे घेराव करते हैं ना, वो रिवर के बेड में गड़े हुए होते हैं. तो रिवर का जो बॉटम है दैट विल एक्ट एज द पेन बॉटम. लेकिन केज कल्चर में क्या है, नीचे की तरफ से भी नेटिंग होती है. आपको डिफरेंट शेप के केज देखने को मिलेंगे, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप. सर्कुलर जो है जनरली सी केज कल्चर, सी में जनरली सर्कुलर ही देखने को मिलते हैं. रिवर, डैम, रिजर्वॉयर जिसमें डेप्थ वगैरह ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें आपको केज कल्चर जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा. तो हम अभी पहले पढ़ने वाले हैं केज कल्चर, देन वी विल गो फॉर द पेन कल्चर. ओके. कुछ इस तरह से आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक है. इंट्रोडक्शन क्या है? अ केज रिप्रेजेंट अ डिलिनिएटेड वॉल्यूम इन द बॉडी ऑफ वाटर वेयर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म. आपका जो है केज कल्चर एक डिलिनिएटेड वाटर बॉडी है जिसमें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हैं या फार्मिंग करते हैं, या एक तरह से कह लो कि केज कल्चर क्या है, एक केज है जो कि चारों साइड से मेस नेट की जो मेस है उससे ये जो कि जो नेट का जो मेस है जो सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है, ठीक है, उससे चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ इनक्लोज रहता है, ठीक है. That can resist decomposition in water for a long period of time. तो आपका completely जो है उसमें क्या है कि netting चारों तरफ से रहेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें water जो है exchange नहीं होगा. Water जो है क्योंकि net के through तो जो चाहे reservoir या dam या river कह लो, उसमें water तो exchange होगा ही, ठीक है. आपका water या mineral जो भी है water के through nutrient वगैरह वो सारे exchange होंगे, लेकिन वो चारों जो फिश है सिर्फ वो बाहर निकल के नहीं आ पाएगी, वो चारों तरफ से क्योंकि घिरा होता है मेस नेटिंग से, तो इसलिए उसके अंदर ही मछली रहेगी, ठीक है. व्हाट इज केज कल्चर?
केज कल्चर इज व्हेन फिश आर रियर फ्रॉम फ्राई टू फिंगरलिंग. हम जो केज कल्चर करते हैं उसमें डिफरेंट स्टॉकिंग और केज कल्चर, पेन कल्चर, ये सब जो है इंटेंसिव फिश फार्मिंग में आता है. हमने पढ़ा था ना एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव. तो इंटेंसिव ये दो, हाँ ये दोनों जो है इंटेंसिव कल्चर में आता है. इसमें जो है हम फिश की स्टॉकिंग बहुत हाई रखते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट भी हाई होता है, इसलिए प्रोडक्शन भी हाई होता है. तो हम इसमें जो है क्या क्या पर्पस के लिए यूज करते हैं, फ्राई टू फिंग. किसी का रह गया है, अनम्यूट कर दो बैक, एक मिनट. केज कल्चर जो है हम फिश को फ्राई से फिंगरलिंग साइज तक ग्रो करने के लिए, रियर करने के लिए, या फिंगरलिंग को टेबल साइज तक जो है, या टेबल साइज को मार्केटेबल साइज कह सकते हो, उसको जो है आपका कल्चर उस पर्पस के लिए जो है यूज में लाते हैं. व्हाइल कैप्टिव इन इनक्लोज स्पेस, मतलब हम जो है कंप्लीटली कैप्टिव कंडीशन में उसको ला करके डालते हैं एक इनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि एक बाउंड्री होता है उसी के अंदर, मतलब एक नेट की पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा होता है, उसके अंदर ला करके स्टॉक करते हैं. और उसमें क्या होता है, वाटर का फ्री एक्सचेंज होता है, जो सराउंडिंग वाटर है रिवर का बाकी पोर्शन, यानी केज के बाहर का जो पानी है उसके साथ आराम से, ये आप देख सकते हो इसके बाहर का जो पानी है उसके साथ तो पानी एक्सचेंज होता ही है. बस ये है कि फिश इस नेट से बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है, इसी में रह जाती है, लेकिन पानी तो एक्सचेंज होते रहता है. A cage is enclosed on all side. चारों तरफ से वो mesh netting, ये जो आपका net है ना, इससे synthetic material का बना हुआ, उससे चारों तरफ से वो घिरा होता है, ठीक है. That can resist decomposition in water for a long period of time and is sold under the brand name. ये जो आपका synthetic material है ना, ये netlon के नाम से जाना जाता है, ठीक है. ये जो आपका netting material है, this is called the netlon. और इसके चारों तरफ से वो घिरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से फ्री एक्सचेंज होता है और ये जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होता है. ये जो सिंथेटिक मेटल का बना होता है ना, इसलिए नेट जो है जल्दी सड़ता नहीं है पानी में. अगर मान लो किसी और चीज का बनाए होते, थ्रेड का मेस बना करके, जो जाली बना करके उसको चारों तरफ से, तो वो कुछ दिन बाद सड़ जाता, गल जाता पानी में. लेकिन ये सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है तो वो पानी में डिकम्पोज भी नहीं होता. तो केज कल्चर जो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि लगभग 200 साल पहले ये ओरिजिन किया था कंबोडिया में, ठीक है. केज कल्चर जो है जनरली, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि केज कल्चर कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है. तो इस चीज को ध्यान में अच्छे से पढ़ोगे जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन. हाँ बोलो, कहीं पे लिखा हुआ था कैंपोचिया लिखा हुआ था. कैंपोचिया भी वही लिखा हुआ है, कैंपोचिया लिखा हुआ था. हाँ हाँ सेम है, कैंपोचिया भी कहते हैं, दैट इज इन कंबोडिया, ठीक है. तो आपका ऑप्शन में देख लेना, आइदर कंपोचिया होगा या कंबोडिया होगा, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है. कहीं पे इसको कंपोचिया भी बोलते हैं, कहीं पे कंबोडिया भी बोलते हैं. तो आपका जो 200 साल पहले ही ओरिजिनेट हुआ था, केज आपका जो है स्मॉल साइज का देखने को मिलता है, बड़े साइज का भी मिलता है. आपका फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर में ये लगभग 1 मीटर स्क्वायर से लेके 500 मीटर स्क्वायर तक का साइज आपको देखने मिलेगा. सेवरल जो स्मॉल केजेस है ना, वो कंबाइन हो करके एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैटरी, आर सूटेड टू इवन इंटेंसिव कल्चर. इसमें तो हम इंटेंसिव कल्चर करते ही है, लेकिन आपको मैं दिखाऊं, ये जो छोटा छोटा है ना, एक केज, दो केज, ये तीन केज देख रहे हो, ये एक दो, तो ये जो छोटा छोटा जो है इसको कंबाइन करके कंप्लीटली जो एक बड़ा सा हुआ, दैट वी कॉल एज अ बैटरी. तो इसमें आप देख सकते हो एक दो तीन चार पांच 10 का है 10 का, ये कंप्लीटली 10 केजेस का मिला करके एक बैटरी है, समझे. आपका जो कंबोडिया में जिस साल ये ओरिजिनेट किया था, तो उस समय जो फिश की फार्मिंग की गई थी, दैट वाज अ कैटफिशेस को डाल करके कल्चर किया गया था. उसके बाद फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन आया, ठीक है, जो कि जापान में किया गया, और वो किस फिश को लेकर के, येलो टेल जो फिश है उसको लेके कल्चर किया गया था, ठीक है. सी केज, उसके बाद कुछ
सालों बाद सीकेज फार्मिंग आया, मतलब अभी तक तो सिर्फ फ्रेश वाटर में कर रहे थे, रिवर में कर रहे थे, उसके बाद फिर सीकेज का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ कहाँ किया जाने लगा, नॉर्वे, काइल, जापान। इंडिया में जो है सबसे पहले केज कल्चर 2007 में विशाखापट्टनम में किया गया था, और वो भी सीएमएफआरआई ने किया था, सी बास का कल्चर, एशियन जो सी बास है उसका लेकर के किया था केज कल्चर, ठीक है। उसके बाद फिर सीमा फराई ने ग्रे मुलेट का किया केज कल्चर, पर्ल स्पॉट को लेके किया, श्रिम, क्रैब, लॉबस्टर, कोबिया, पम्पैनो, ये सब का उन्होंने केज कल्चर किया। व्हाई केज कल्चर आपके दिमाग में आ रहा है, आखिर केज कल्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत है करने का? आपको पता है कि इंडिया में जो रिजर्वोयर का एरिया है लगभग 3.25 मिलियन हेक्टेयर है। आपने फिशरी रिसोर्सेज में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो आपका जो रिजर्वोयर एरिया है इंडिया में वो लगभग 3.2 मिलियन हेक्टेयर का है, जो कि आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो है इनलैंड वाटर रिसोर्सेज है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्सेज है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जिसको हम इनलैंड वाटर रिसोर्स भी कहते हैं, विथ ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल, मतलब इतना बड़ा एरिया है जिसमें उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी जो है उसकी बहुत ज्यादा है। फिश यील्ड ऑफ 50 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर फ्रॉम स्मॉल रिजर्वॉयर, ये भी आपने पढ़ा होगा, आपको मेरे ख्याल से रिसोर्स मैनेजमेंट एफआरएम में ही पढ़ा होगा कि स्मॉल रिजर्वॉयर से जो है, रिजर्वॉयर का भी तीन कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड द स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज रिजर्वॉयर। जो स्मॉल रिजर्वॉयर्स है, ठीक है, आपका जो उसमें से जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल रिजर्वॉयर का प्रोडक्शन हमेशा हाई होता है लार्ज रिजर्वॉयर के कंपैरिजन में, क्यों होता है कोई बताओ? ठीक है, रिजर्वॉयर जनरली तीन तरह मैनेजमेंट ठीक से होता होगा मैम, मैनेजमेंट ठीक से होता है क्योंकि स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल एरिया को हम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो स्मॉल जो ये तीन कैटेगरी है रिजर्वॉयर के, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज रिजर्वॉयर, तो स्मॉल रिजर्वॉयर से जो फिश प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है, वो 50 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से, मीडियम साइज के रिजर्वॉयर का 20 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से, और लार्ज रिजर्वॉयर का जो प्रोडक्शन है फिश प्रोडक्शन, दैट इज 8 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से। बट स्टिल बहुत स्कोप है कि हम इस प्रोडक्शन को कल्चर के थ्रू और जो है रिजर्वॉयर का जो प्रोडक्शन है इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? इंटेंसिफाई करके। ठीक है, इंटेंसिफाई करने के लिए हमें इंटेंसिव कल्चर अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल कल्चर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन हम जब इंटेंसिफाई कल्चर की तरफ जाते हैं तो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी करेंगे, मैनेजमेंट हाई करेंगे, तो प्रोडक्शन उस हिसाब से और इंक्रीज कर सकता है। तो सोच सकते हैं ह्यूज सोर्सेज है, उसको हम अगर यूटिलाइज सही तरीके से करें तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है। द सक्सेस रेट ऑफ द ऑटो स्टॉकिंग इज वेरी लो इन इंडियन रिजर्वॉयर, स्पेशली इन द स्मॉलर वन। जो आपका ऑटो स्टॉकिंग करते हैं वो बहुत इंडियन रिजर्वॉयर में बहुत ही स्लो है, खासकर जो स्मॉलर वंस हैं। ठीक है, टू रियर फिंगरलिंग मेजरिंग 100 मिलीमीटर इन लेंथ स्पेशली कार्प फॉर स्टॉकिंग रिजर्वॉयर, हम जनरली जो है क्या करते हैं, कार्प वगैरह को स्टॉक करते हैं, आपका जो फिंगरलिंग साइज है उस जो जिसकी साइज जो है मोर देन 100 मिलीमीटर लेंथ की होती है, जनरली हम उसको रिजर्वॉयर में स्टॉक करते हैं। Producing fingerling in situ in cages offers opportunity for supplying stocking material, which are vital input towards a program of enhancing fish production from Indian reservoir. अगर हम जो है अगर केज कल्चर करते हैं, ठीक है, तो केज कल्चर करने से क्या होगा कि फिंगरलिंग हमेशा जो है आपका बड़ा रिजर्वॉयर में अगर फिंगरलिंग आपने स्टॉक किया है तो उसको कैच करके उसके बाद उसको निकाल करके फिर हार्वेस्ट करना या किसी और को सप्लाई करने में इट विल टेक द टाइम, और पूरा का पूरा जो है नेटिंग भी एक बार में निकल के नहीं आएगा नेटिंग के थ्रू। लेकिन अगर हम केज कल्चर करते हैं तो एक कन्फाइंड एरिया में रहेगा, हाई स्टॉकिंग रहेगा, तो कभी भी हम उसको निकाल करके जो सप्लाई कर सकते हैं एज अ स्टॉक मटेरियल उसको रख सकते हैं फिंगरलिंग को, और कभी भी किसी को चाहिए तो हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये फिश प्रोडक्शन को किस तरीके से मतलब इनहेंस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है इंडियन रिजर्वॉयर का यूटिलाइज करते हुए। ठीक है,
दूसरी बात है कि हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्कैर्सिटी है उसकी, ठीक है, कमी है उसकी. द वास्टनेस ऑफ द सी रिमेन द लास्ट फ्रंटियर फॉर फिश प्रोडक्शन. और सी एरिया जो है काफी बड़ा, काफी लार्ज होता है, तो हम अगर उसको यूटिलाइज करें केज कल्चर करके, तो कितना फिश जो है प्रोडक्शन हम कर सकते हैं. मैरीकल्चर प्रॉफिटेबली हैज बीन एस्टैब्लिश. इस जब से ये सी केज कल्चर आया है, तो मैरी कल्चर जो मराइन फिशेज जो है, मराइन चाहे सेल फिशेज कहो या फिन फिशेज है, उसका कल्चर हम अच्छे तरीके से कर पाए हैं, और उसका कल्चर जो है सही तरीके से इटैब्लिश्ड हो चुका है, ठीक है, केज कल्चर की वजह से, सी केज कल्चर की वजह से. कुड प्रोवाइड फिशर फोक विद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. ये केज कल्चर ने जो है आपका जो फिशर मैन कम्युनिटी है या फिशर मैन जो है उनको जो है आपका बहुत सारे सोर्सेज जो है अल्टरनेटिव सोर्स उनके इनकम के जनरेट करने में मददगार हुए, ठीक है. डिमांड फॉर फिश कंटिन्यू टू ग्रो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे हमारा जो है जो पुराने जमाने में जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से अब पॉपुलेशन और इंक्रीज हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. तो फिश डिमांड को हम केज कल्चर जैसे इंटेंसिव फार्मिंग को अपना करके फिश प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और जो डिमांड है फिश का डिमांड उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है. वाइल्ड कैच फ्रॉम द सी इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू ओवर फिशिंग. क्या है कि पहले तो कल्चर करते नहीं थे, कैप्चर ही करते थे, सीधे जाल डाला पकड़ के लेकर के आए. तो ओवर फिशिंग के चलते क्या है कि धीरे धीरे जो चीजें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज में है, वो जो वाइल्ड फिशेज है, वाइल्ड कैच है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है. तो हम अगर कैप्चर पे ना जाके अगर कल्चर करते हैं तो ज्यादा बेटर है, और पॉपुलेशन को हम उसका जो फिश डिमांड है उसको पूर्ति भी कर सकेंगे, ठीक है, बजाय कि वाइल्ड कैच को पकड़ करके जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है. अगर हम सी केज कल्चर करते हैं या फ्रेश वाटर कल्चर करते हैं तो हम इस चीज को फुलफिल कर पाएंगे. नाउ केज कल्चर कैन बी यूज फॉर, ये जो केज कल्चर है इसको हम किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. ग्रो आउट कल्चर, यानी कि आपका फिंगरलिंग साइज छोड़ा या टेबल साइज छोड़ा, उसको मार्केटेबल साइज तक लेकर के आने के लिए ये बेहतर ऑप्शन है. लार्वा का रेयरिंग कर सकते हैं, लार्वल स्टेजेस जो है फिशेस का उसके रेयरिंग में हम यूज कर सकते हैं. ब्रूडर्स को डेवलप, मतलब ब्रूडर्स मैच्योर जो ब्रूडर्स हैं उनको डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट पर्पस के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं. फैटनिंग सिस्टम जो आपका कहते हैं कि मैच्योर करना, उसका जो है गेन कराना, फैटनिंग वगैरह, क्रैब फैटनिंग वगैरह जो करते हैं उसका साइज इंक्रीज करना, ये उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. होल्डिंग फॉर लाइव कैचेस, ठीक है, अगर आपको है कि मतलब लाइव फिशेस ही सेल करनी है, तो आप चाहो तो फिशेस को केज कल्चर में रह के लंबे समय तक स्टॉक करके रह सकते हो, और थोड़ा थोड़ा करके निकाल करके सेल कर सकते हो, ठीक है. तो ये लाइव कैचेस को होल्ड करने के लिए भी बहुत अच्छा पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है. एक्वा रैंचिंग, आपका जो है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज में जो है अगर डिक्लाइन कर रहा है, तो इसमें से लेकर के आप कभी भी जो है उसको नेचुरल वाटर में छोड़ सकते हो, ठीक है, ताकि जो आपका नेचुरल वाटर रिसोर्सेज में उसमें वो मेंटेन रह सके, ठीक है. नाउ द टाइप ऑफ द केजेस, कितने तरह के केजेस होते हैं. केजेस जनरली 4 टाइप के हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, सबमर्जिबल, सबमर्ज्ड, ठीक है. फ्लोटिंग में जो है नॉन रोटेटिंग टाइप के होते हैं, रोटेटिंग टाइप के होते हैं, ठीक है. इसमें जो है कंप्लीटली जो है केज जो है रोटेट नहीं करता, फ्लोटिंग वाले में पूरा जो है वो रोटेट कर जाता है. जनरली जो रोटेटिंग टाइप का फ्लोटिंग केज कल्चर है, ये सी केज फार्मिंग में ज्यादा देखने को मिलता है. सबमर्जिबल जो है फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, और दूसरा जो है वो रिजिड टाइप का होता है. इसको बेवरेज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1996 में ये जो है क्लासिफिकेशन किया था. नाउ टाइप्स ऑफ केजेस, केजेस उसमें पहला फिक्स जो केजेस है वो वहां पे यूज किया जाता है वैसे वाटर बॉडीज में
चाहे रिवर या रिजर्वॉयर या आपका कह लो, जहां पे वाटर डेप्थ 1 से 3 मीटर तक है, वैसे डेप्थ में फिक्स केजेस का यूज किया जाता है. नॉर्मली प्लेस्ड इन द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, आपका जो पानी के बहाव है उसमें जनरली इसको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, डाला जाता है, कनाल में रखा जाता है, रिवर्स, रिवुलेट्स, सैलो लेक, ऐसा जिसका ज्यादा डेप्थ ना हो, ऐसी झील वगैरह जिसका डेप्थ ज्यादा ना हो, या फिर रिजर्वॉयर जिसका डेप्थ ज्यादा ना हो, 1 से 3 मीटर तक का हो, ठीक है, वैसे में फिक्स केजेस को यूज किया जाता है. और इसका कभी भी बॉटम से टच नहीं कराते, ठीक है. कंपैरेटिवली ये जो होता है इनएक्सपेंसिव होता है एंड सिंपल होता है. अगर सभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केजेस है उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो ये इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सिंपल है. बट इसका यूज जो है रेस्ट्रिक्शन है, इसको हर जगह आप नहीं डाल सकते. इसके लिए डेप्थ आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये सैलो एरियाज में जहाँ पे ज्यादा डेप्थ ना हो वहीं पे यूज किया जा सकता है. तो इसका यूज को लेकर ये थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन है. नाउ सेकेंड इज द फ्लोटिंग टाइप, ठीक है. फ्लोटिंग टाइप इस टाइप का दिखता है, आपका सबका ना साइड में पिक्चर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो फिक्स टाइप का एंड दिस इज द फ्लोटिंग टाइप. ये क्या होता है कि फ्लोटिंग टाइप जो है, फ्लोटिंग फ्रेम जो लोहे का है ना, ये आप दिख रहा होगा यहाँ पे फिगर में, तो ये इस तरह के फ्रेम्स होते हैं. ये फ्रेम्स जो है इसके चारों तरफ नेट, ये अंदर की तरफ आप देख सकते हो चारों तरफ से ये नेट बैग्स जो है वाटर में हैंग करता हुआ है, और ये भी जो है नीचे फ्लोटिंग है तो ये इसका जो बॉटम है वो टच नहीं करेगा, ठीक है. और ये प्लास्टिक बैरल्स है, ये जो बायंसी जो है वाटर में उस बायंसी देता है ताकि ये फ्लोट कर सके. ये कम्प्लीटली एम्प्टी प्लास्टिक के बैरल्स हैं, जो तेल के वगैरह जो होते हैं ना वो खाली डब्बे हैं प्लास्टिक्स के, ताकि ये इजिली बायंसी प्रोवाइड कर सके और ये पूरा का पूरा फ्रेम जो है फ्लोट कर सके. और ये बॉटम से ये भी टच नहीं होता है. और ये कहाँ यूज किया जाता है, जहां पे आपका वाटर बॉडीज का जो डेप्थ है मोर देन 5 मीटर हो, ठीक है. और ये आपको डिफरेंट शेप एंड साइज और डिजाइन पे देखने मिलेंगे फ्लोटिंग टाइप्स के जो केज है. किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम. नाउ आपका हो गया थर्ड, हो गया सबमर्जिबल टाइप. नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो केज है वो सबमर्जिबल है. लेकिन सबमर्ज्ड और सबमर्जिबल में क्या अंतर है, देखो आप फिगर के थ्रू थोड़ा बहुत चीजें समझ में आती है. इसमें क्या होगा, जो आपका नेट बैग है ये कम्प्लीटली नेट बैग जो है ये सस्पेंडेड रहेगा, आपका जो सरफेस वाटर है उससे नीचे रहेगा, हैविंग लेकिन इस ये जो है कम्प्लीटली टच नहीं रहेगा, हैविंग एडजस्टेबल बायोएंसी. इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसका जो बायोएंसी है वो एडजस्ट हो सके. And maybe rigid or flexible. Cages can be two away, two are different. इसका यही फायदा है कि मान लो इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसको कहीं भी टो करके, खींच करके आप दूसरे लोकेशन तक लेके जा सकते हैं. चाहे तो आप जहाँ किनारा है वहां तक भी थोड़ा लेके आ सकते हैं ताकि हार्वेस्ट फिश को निकालने में दिक्कत ना हो. दूसरी बात यह है कि आप इसको टो करके यानी खींच करके डिफरेंट प्लेस तक लेके जा सकते हैं. मान लो आपने जिस जगह पे लगाया है वहां पे जो है वेदर कंडीशन सही नहीं है, बहुत तूफान आ रहा है, बहुत जो है पानी में वेव्स बहुत ज्यादा है, तो आप उसको खींच करके दूसरे प्लेस पे जाके लोकेट कर सकते हो. यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मतलब बेनिफिट भी है सबमर्सिबल का, ठीक है. इन एरियाज सब्जेक्टेड टू टाइफून्स और साइक्लोन, ऐसा एरिया जहां पे आपका साइक्लोन या टाइफून बहुत ज्यादा आता है, तो वैसे एरिया में ये सबमर्सिबल टाइप ऑफ केजेस जो है बहुत ही यूजफुल माने गए हैं, क्योंकि आप इसको जो है आराम से टो करके दूसरे प्लेसेस तक लेके जा सकते हो, जो कि जो बाकी जो टाइप के केजेस है उसके साथ ये काम नहीं कर सकते, ठीक है. They can withstand wind and wave much better than floating cages. क्योंकि इसकी buoyancy इतनी अच्छे से ये adjust कर लेता है कि मान लो थोड़ा बहुत wave और wind अगर पानी में है, ठीक है, तो उसको ये आराम से floating cage जो है अपने आप को उसके according जो है adjust कर लेता है.
तो वो आसानी से झेल जाता है। हाँ बोलो मैम, इसमें फीडिंग कैसे देंगे मैम? फीडिंग का जो रहता है, आप जैसे इसको लगाए ना, तो उसका जो है आप आकर के जो है बोट के थ्रू आना होगा, देन उसको जो है थोड़ा ऊपर करके देन आफ्टर दिया जाता है, ठीक है? फीडिंग का टेंशन नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये नेचुरल कंडीशन में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे तो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? आकर के बोट के थ्रू आए, इसका जो है थोड़ा ऊपर करके देन आफ्टर फीडिंग कर दिए, एडजस्टेबल है ना, ये एडजस्टेबल है, तो उस हिसाब से इसका जो है ला करके फीड कर सकते हो। यहाँ पे भी ला करके बोट करके आपका जो इसका माउथ पोर्शन है उसका नेटिंग करके इसका जो एडजस्ट करके ऊपर ला करके देन आफ्टर उसका फ्लैप ओपन करके दे सकते हो। दूसरी बात यह है कि इसका नेचुरल मीडियम के थ्रू इसको नेचुरल फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ज़ूप्लैंक्टन्स ये आपको जो है मिलता रहेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस मैम। आपका सबमर्ज जो है, सबमर्ज नेट बैग्स आर फिटेड, इसमें क्या है कि आपका ये जो है कंप्लीटली आपका इसका जो फ्रेम होता है वो काफी सॉलिड होता है, रग्ड होता है बहुत ही ज्यादा, और ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होता है। उसमें क्या है कि आपका ऊपर नीचे जो है बायंसी जो है ये इस टाइप का होता है ना, कि मतलब अगर चाहो तो ये ऊपर भी आ जाए, सबमर्जेबल के केस में कह रही हूँ, ये ऊपर भी ला सकते हैं, फ्लोट मतलब इस तरीके से है कि इसको फ्लोट भी करा सकते हैं ये इस तरह, इसलिए ये विंड और वेव्स को आसानी से झेल जाता है, ठीक है? अगर बहुत खतरा है तो उस हिसाब से नीचे आ जाएगा या फिर उस तरह से एडजस्ट कर लेता है ये, लेकिन सबमर्ज में ये कम्प्लीटली सबमर्ज रहता है और इसके फ्रेम काफी सॉलिड और पूरी तरह से मजबूत रहते हैं। नेट बैग्स जो होते हैं कम्प्लीटली फिक्स रहते हैं नीचे की तरफ और ये पूरी तरह से जो है सबमर्ज रहता है। देयर यूज इज लिमिटेड, इसका भी यूज बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है? नाउ मेरिट्स, जिसको हम एडवांटेज भी कहते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स है? केज कल्चर का जो मेरिट्स है कि मेक यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज, जो भी एग्जिस्ट करता हुआ नेचुरल वाटर बॉडीज है, चाहे रिजर्वोयर, रिवर, सी है, हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके इंटेंसिव फार्मिंग करके हम हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये जो पॉपुलेशन डे बाय डे है उसका जो फूड डिमांड है, जो फिश डिमांड है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। फार्म मैनेजमेंट इज लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है? पॉन्ड वगैरह एरिया काफी बड़ा होता है, ठीक है? या फिर अगर मान लो आपने आपने एक लेक को ही जो है ले लिया है लीज पे, ठीक है, उस लेक को पूरी तरह से मैनेज कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर वही लेक में आपने केज कल्चर करना है तो क्योंकि कम एरिया में आपका हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है, एरिया कम है, उसको मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो इसमें मैनेजमेंट का जो आपकी है कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है? कम एरिया में आपका जो है फिशेस कम्प्लीटली जो है, अगर पूरा रिवर या रिजर्वॉयर में रहता, पूरा रिजर्वॉयर में रहता या पूरा लेक में रहता, तो उसको फीडिंग करना, उसको कैच करना सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मैनेज करना, लेकिन क्योंकि ये कॉन्फाइंड एरिया में है, छोटे से एरिया में है, लिमिटेड एरिया है उसका, तो उसको मैनेज कर पाना बहुत इजी है, कम कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है? कैन बी एक्सपेंडेड बाय न्यू एडिंग न्यू केजेस, आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हो केजेस को उस बैटरी में, और दो तीन मतलब जैसे बैटरी में है ना कि कुछ 8 या 10 ऐसे केजेस को कंबाइन कर सकते हैं, तो आप केज कल्चर को अगर एक्सपेंड करना चाहते हो तो और न्यू केजेस उसमें ऐड कर दो। केजेस कैन बी मूव टू बेटर साइट, इसमें कुछ ऐसे केजेस हैं जैसे सबमर्जिबल वगैरह आपका बताया है ना, कि जैसे अगर टाइफून या साइक्लोन आता है तो आप आसानी से इसको मूव करके दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। और दूसरी बात है केजेस को आप वैसे जगह पे जो कि आपका वैसा वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी, चाहे रिजर्वॉयर या रिवर, जहाँ पे अच्छा वाटर पानी का क्वालिटी अच्छा है, प्लैंकटन्स का ग्रोथ अच्छा है, आप वहां पे केज डाल करके अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो। हाई डेंसिटी ऑफ फिश कल्चर, पहले बताया ये इंटेंसिव फार्मिंग है, तो इसमें स्टॉकिंग जो करते हैं वो काफी हाई रखते हैं, हाई डेंसिटी रखते हैं फिश का, ठीक है? तो इसमें जो फिश कल्चर करते हैं वो काफी हाई स्टॉकिंग डेंसिटी के साथ करते हैं। नाउ डिमेरिट्स इसके क्या क्या है? नो कंट्रोल ओवर वाटर क्वालिटी, आपको पहले ही बताया कि केज कल्चर में जो है नेट लगे रहते हैं तो सिर्फ फिश जो है वो कहीं एस्केप नहीं करती, लेकिन वाटर कंप्लीटली एक्सचेंज होता है,
आपका बाकी जो रिवर में डाल रहे हो या रिजर्वॉयर में डाल रहे हो उसके पानी के साथ तो वो एक्सचेंज हो रहा है, तो आपका जो वाटर क्वालिटी है उसको जैसे हम टैंक में सीमेंटेड टैंक या प्लास्टिक के एफआरपी टैंक्स है उसमें तो पानी आपका लिमिटेड रहता है, तो उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर क्वालिटी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कम्प्लीटली एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है पैथोजन कहीं पे ज्यादा हो कहीं से आकर के, या किसी ने रिवर में कहीं पे गंदगी छोड़ दी है, वेस्टेज छोड़ दिया है, सीवेज छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो पानी जाके मिक्सअप होके आ सकता है। तो आपको इसलिए इंस्टॉल करते वक्त प्रॉपर साइट सिलेक्शन करना होता है, केज को कहीं भी जाकर के इंस्टॉल नहीं करना, आपको देखना है कि वो एरिया सेफ है, किसी तरह का उसमें कॉन्टेमिनेशन तो नहीं हो रहा, पानी ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी एक रिस्क तो रहता है कि कहीं से कॉन्टेमिनेट हो सकता है, ठीक है। नो कंट्रोल ओवर वेदर, क्योंकि ये ओपन एरिया में करते हैं तो हम वेदर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, साइक्लोन आ गया, टाइफून आ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। डैमेज टू स्किन एंड लीडिंग टू इंफेक्शन, आपका जो है क्योंकि वो नेट वगैरह है तो उससे कभी कभी जो है फिशेस को डैमेज पहुंच सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, वो चीज है। अगर नेट का प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हो तो दिक्कत है। फिर क्या है कि उसके नेट में जो है, अगर सी केज फार्मिंग है तो बर्नाकल्स करके एक आते हैं जीव है जो कि आपके नेट में चिपक जाते हैं, ठीक है, नेट गंदा भी होता है तो एक क्लीन करना भी जरूरी है, नहीं तो ना उसमें फॉलिंग स्मेल आएगा, ठीक है, सड़ा हुआ स्मेल आएगा, उसको क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो ना फिर उसमें जो है आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेंगे, फंगस ग्रो करेंगे, फिर फिश को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सारे प्रॉब्लम है। दूसरी बात है नेविगेशन हजार्ड, अगर आपने सही तरीके से सही जगह पे केज को इंस्टॉल नहीं किया है, डाला नहीं है, तो वो नेविगेशन में, क्योंकि बहुत सारे एरिया जैसे नेवल आर्मी है, ठीक है, नेवी के जो जहाज है वो हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है, अगर आपने सी केज कर रहे हो, सही जगह पे नहीं कर रहे हो, तो उनकी पेट्रोलिंग में या अदर कॉमर्शियल जो आपके जहाज हैं जो हमेशा सी में रिवर में, मतलब आपके जो जा रहे हैं उसके एरिया में नहीं आने चाहिए, उसको किसी ना किसी तरह से ये सी अगर केज कल्चर करते हो तो कहीं ना कहीं उसको जो है प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। और नेविगेशन मान लो अगर वैसे एरिया में आपने कर दिया जहाँ पे आपके ये जहाज वगैरह जो है जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये केज कल्चर को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये चीजें हैं थोड़ी ध्यान देने लायक। दूसरी बात पोचिंग, चोरी होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली नेचुरल वाटर बॉडीज में, तो वहां पे हमेशा तो आप फार्म पे तो आप क्या है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड उस हिसाब से अपॉइंट कर लिया, लेकिन केज कल्चर के लिए तो दिक्कत है। और दूसरी बात है कि आपका कन्फाइंड एरिया में स्टॉकिंग हाई है, कोई भी चाहे तो आराम से बहुत सारी फिशेज एक साथ निकाल सकता है, एक पूरे रिवर में कैच करने में उसको, मान लो अगर आपने पूरा एक रिजर्वॉयर लीज पे ले लिया या लेक लीज पे ले लिया, तो उसमें से किसी को मछली निकालने में मेहनत है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपने केज डाल दिया तो कोई भी आराम से जा करके, क्योंकि स्टॉकिंग लिमिटेड एरिया है उसमें आपका फिशेस डाला हुआ है वो भी हाई स्टॉकिंग, तुरंत आकर के कोई अच्छा खासा जो निकाल के लेके जा सकता है, उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, तो पोचिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अनईटन फूड सेटल एंड पॉल्यूट वाटर, अगर आपने जो है केज कल्चर में फीडिंग ठीक से नहीं की मान लो, ठीक है, स्टॉकिंग हाई रखे हो और जो है, या फिर मछली ने खाना ठीक से नहीं खाया, तो वो सारा जाकर के क्या है रिवर या रिजर्वॉयर, क्योंकि नेट है उसके थ्रू तो वो नीचे चला जाएगा, नेट को क्रॉस करता हुआ वो रिजर्वॉयर या रिवर या आपका लेक के बॉटम में चला जाएगा, और फिर वहां पे उसमें फंगस बैक्टीरिया ये सब ग्रो करके फिर पानी को ये गंदा करेगा, क्योंकि आपका टैंक वैंक में तो था कि वो नीचे आ जाता था, तो आप साफनिंग करके उसको पानी को निकाल करके उस पानी को मेंटेन कर लेते थे, ठीक है, साइफनिंग करके कचरा जो भी नीचे सेटल है उसको निकाल लिया आपने पाइप के थ्रू जो है, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज हो नहीं सकता, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नाउ हो गया पेन कल्चर, ये इस तरह से आपका जो है पेन कल्चर दिखता है। आज मैं पेन कल्चर ये नहीं लूंगी क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया, एक मिनट में ये कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, जस्ट डेफिनेशन बता दे रही हूँ क्या है पेन कल्चर। क्या है, ए फिक्स इंक्लोजर इन विच द बॉटम इज द बेड ऑफ वाटर,
यहाँ पे जो है उस केस में चारों तरफ से ये था, लेकिन इसमें क्या है, इसका चारों तरफ तो है लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है क्योंकि ये जमीन से गड़ा हुआ है तो नीचे कोई नेट नहीं लगा होता है, इसमें खाली चारों तरफ से नेट लगा रहता है और पूरे ये जो आपका बांस दिख रहा है ये पूरे नीचे तक और नेट भी नीचे तक रहता है ताकि मछली ना निकले, लेकिन उसकी उसमें क्या था कि आपका नेट बॉटम में टच नहीं होता था और नेट नीचे भी है, लेकिन इसमें क्या है पूरा बॉटम तक रहता है, नेट जो है नीचे नहीं रहता, चारों तरफ ही रहता है। तो इसका ये भी पूरी तरह से फिक्स इंक्लोजर है जो आपका चारों तरफ से जो है घिरा रहता है, लेकिन इसका जो बॉटम है वो बेड ऑफ द वॉटर है। केज इज डिफाइंड एंड इंक्लोजर विद बॉटम एंड साइड। केज क्या है कि आपका ऐसा इंक्लोजर है जो नीचे चारों तरफ से तो है ही, नीचे भी आपका उसका नेटिंग रहता है, वेदर फ्लोटिंग एट द सर्फेस और टोटली सबमर्ज कम्प्लीटली। केज जो है फ्लोटिंग नेचर का है या फिर कुछ आपको टोटली सबमर्ज दिखेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस है। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ मटेरियल यूजिंग यूज फॉर पेन कल्चर कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपका मेनली क्या क्या मटेरियल यूज जो भी लाएंगे उसमें क्या क्या आपको क्राइटेरिया देखना चाहिए। पहला बात, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, सड़े ना, गले ना, उसमें कोरोजन ना हो, वेदर को टॉलरेट करने की क्षमता हो, ये फॉलिंग जो है उस रेजिस्टेंस हो, ठीक है, उसमें कोई भी आके जो वॉटर